शाम के समय में हम दिलदार नगर के मेला मंडी में पहुंचे हैं, करीब वही 2 के करीब हो रहा है। और ऐसे में हम जैसे ही आए तो ये भैया हमसे मिले। क्या नाम है भैया? ओम प्रकाश सिंह। किस ओम प्रकाश? हरे राम। हरे राम, बहुत से लोग इनको हरे राम के नाम से जानते हैं। कहाँ से आए हैं? विक्रमगंज से, काराकाट। बिहार के काराकाट, विक्रमगंज से बता रहे हैं कि हम विक्रमगंज से आए हैं। इनके हाथ में एक बड़ी कद की भैंस है, जब भी हम काराकाट में जाते हैं तो इनसे जरूर मुलाकात होती है। अब इस मेला मंडी में भैंस लेके आए थे तो बोले कि विपिन भाई इसको दिखाइए, बहुत हम अच्छी भैंस लेके आए हैं। वास्तविकता है, अच्छी भैंस है। थोड़ा आगे ले चलिए तो बहुत बढ़िया, हाईवी ऑर्डर में है। लोग इस तरह की भैंस को खोजते खोजते बहुत दूरी तय करते हैं, लेकिन फिर भी मिलना मुश्किल होता है। बच्चा क्या है इसके पास? बच्चा तो भैया पड़े है। बच्चा पड़ा है। और बयान कौन सा होगा इसका? बयान दूसरा है। थोड़ा उधर ले चलिए, दूसरे ब्याज से ऊपर में है। इतनी अच्छी भैंस कहाँ से लाए हैं? अपनी पंचायत में से बता रहे हैं, ये काराकाट से ही लेके आए हैं ऐसा बता रहे हैं। ये वास्तविकता है कि इस मेला मंडी में बहुत से बिहार की भैंसें आती हैं, जो आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस तरह की भी भैंसें बिहार में मिलती है, है ना। बिहार का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही हैवी मिल्किंग वाली भैंसें मिलती हैं। ये भैंस जहाँ जहाँ पे जिधर जिधर घूम जा रही है, ग्राहक कहीं ना कहीं इसके पीछे लग रहे हैं। बिल्कुल महीन और बारीक चमड़ी में, कादम मांग रहे हैं। दाम 1 पैसा। 1 पैसा, ठीक है चाचा, बहुत बढ़िया। एक अच्छे भाव में इसको वैसे भैया बता रहे हैं 1.65। वैसे बहुत से लोगों के लिए अधिक रेट होगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे लेकिन लग रहा है कि ये भाव कहीं ना कहीं कम होगा। एक ही भाव से हम पूछेंगे भैया, इसे तो 85-90 मंगा रहा था। कितने में होगी एक ही बात बता दीजिए। वही हम बिकने वाला दाम बताए हैं। कितना? 1 पैसा। और आपके काराकाट में? क्या काराकाट में? वहाँ पे कितने में बिकी है? और वहाँ भी यही बिके थी, और कभी देखिए हम हफ्ता में दोनों मिला के कब करते हैं, कितना दाम मिलता है। हम कंटिन्यू यहाँ पे आते हैं और इस चीज को देखते हैं, है ना। काराकाट में हमारा आना जाना रहता ही है। तो हम लोग भी वहाँ भी मंडी होता है, यहाँ भी होता है। इस मेला मंडी में इस भाव में इनको बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। काराकाट में भी नहीं बेच पाएंगे या यहाँ भी। जब भी ये भैंस बिकेगी तो मान के चलिए आप लोग 1-10 बहुत जाएगी, तो करते करते 1-20 तक जाएगी। अनुभवहीन व्यक्ति होगा तो उसको ऊपर भी खरीदी कर लेगा, लेकिन नहीं है इस योग्य 1.65 के भाव में जो बता रहे हैं, इस रेट के योग्य नहीं है। जब भी होगी तो हमें लग रहा है कि 1.20 के अंदर अंदर आ जाएगी, तो उचित है। अगर यही मुर्रा सिंह रहता तो थोड़ा कीमत इसका बढ़ता, 1.10 उसमें आ जाए तो सबसे सही। हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम दिलदार नगर की मेला मंडी की वीडियो को दिखाएं, बस हम इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं प्रेम है, भावना है, जुड़ा हुआ है इन भाइयों से। जब भी हम इनके मेला मंडी में जाते हैं तो हमें काफ़ी सम्मान देते हैं ये लोग। देखिए अपने से ही खोल खोल भैंसों को दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसका भी वीडियो बना लो, ये होता है सम्मान, है ना। लेकिन यहाँ के जो बहुत से ऐसे व्यापारी हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत कुछ अब अलग बातें आ गई है। जब मैं पहले वीडियो करता था तो कहीं ना कहीं लोग अलाउ करते थे, लेकिन अब लोगों के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ अजीब भावना बनी हुई है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो से बहुत पैसा मिलता है, तो वीडियो नहीं चाहते हैं कि अपनी भैंस का बनवाएं। इसका बच्चा क्या है? इसका भी पड़े। ये भैंस कहाँ से आई है? ये भी वहीं से आई है। कहाँ से? वही काराकाट से। काराकाट से, तो हम लोग काराकाट पहुँचेंगे। उधर ले चलिए, असली जड़ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो वहाँ पे आप लोग को ये सब भी भैंसें देखने को मिलेगी जो यहाँ के मेला मंडी में देखने को मिल रही है, वास्तविकता है। इसका बच्चा पाड़ा है। ये कौन से बयान में है? दूसरा है ये भी। दूसरा में है। तो का दाम इसका मांग रहा है? इसका भी 1 पैसा। 1 पैसा,
भैया इसका भी दाम 1.65 बोल रहे हैं। बहुत से जो ऐसे कारोबारी हैं जो भैंस बेचने का काम करते हैं बिहार के काराकाट से, तो उन लोग का कहना होता है कि दिल्ला नगर के मेला मंडी में हम लोग को भाव मिल जाता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जो महंगी भैंसें होती है, जो अच्छी भैंसें होती हैं वहाँ की, उनको यहाँ तक ले आते हैं ताकि यहाँ के मेला मंडी से मुनाफा कमाया जा सके। अच्छी भैंस है, कितने तक आ जाएगी तो ठीक रहेगा कमल भाई, जरा बोलिए तो। वही समझ लीजिए कि एक से ऊपर ही होगी, जब से ऊपर ही होगी इसका गाकी 1-20 क्रमशम लगा रहे हैं, हम भी सुने हैं। अच्छा, हम आप भी सुने हैं कि 1-20 गाकी लगा रहा है। बहुत बढ़िया भैंस है ना, इस तरह की भैंसों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम इस तरह की ही भैंसों को रखें। नए लोगों से देखिए, ये भैया बोल रहे हैं कि दाम 1.80-1.85। और वो वाली भैंस कितने में? वहाँ पे है एक भैंस, देखिए एक तो ये भैंस हो गई और एक वहाँ पे है, उसका दाम? उसका भी दाम मतलब उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। बांध दीजिए भैया, ये भैंस जिधर जा रही है उधर लोगों की नज़र पड़ रही है, बांधिए। बहुत बढ़िया भैंस है, हम लोग असली जड़ पे पहुँचेंगे है ना। हम लोग जब इनके असली धरातल पे पहुँचेंगे तभी मालूम चलेगा कि इस तरह की भैंस काराकाट के मेला मंडी में कितने की मिल रही है। भैया दोनों भैंस बहुत ही अच्छी लेके आए हैं, काफी बड़ी हैवी ऑर्डर में है। ठीक है, जो आप लोग सामने भैंस देख रहे हैं, अभी अभी इस भैंस की हम लोग खरीदी किए हैं है ना, काफी अच्छी है कि ये भैंस है। बहुत से लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो महंगी महंगी भैंस खरीद पाए है ना, ये थोड़ी बयान में ज्यादा है, करीब 4-5 से कम में नहीं होगी। बच्चा इसके पास देखिए, ये पाड़ा करीब 7-8 रोज का बच्चा होगा, और इसकी खरीदी हम अभी अभी यहाँ पे पूरे 72,000 रुपीज़ में किए हैं, यानी 72,000 के करीब। भैया इसका दूध निकाल रहे हैं, कितना दूध हो जाएगा लगभग? जतना हो जाए भैया तो निकालते हैं। कितना जतना? जो बता ना सके। नहीं इस समय नहीं, जब ये पूरे दूध पे आएगी तब बोले। पूरा 10-12 किलो कम ना करेंगे चाहिए। 12 किलो भैया इसका दूध 12 किलो बता रहे हैं, लेकिन ये दूध ज्यादा देगी। दिलदार नगर के ही मेला मंडी से इस भैंस की हम खरीदी किए हैं, ये एक व्यक्ति के लिए है, सज्जन व्यक्ति के लिए। जैसे इसका दूध निकल जाएगा इसको समय अनुसार हम उस जगह पे करेंगे जहाँ से इसको गाड़ी में चढ़ के जाना होगा। अब जैसे इस मेला मंडी में नगीना चा मिले तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे जब मिले थे तो? ओह ठीक 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 और सब ठीक है ना? सब ठीक है।